नमस्कार आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा शिवराज सरकार के कार्यकाल में रेत माफियाओं को नहीं है कोई खौफ प्रदेश के मामा कहे जाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर के जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि रेत माफियाओं को दस फीट जमीन में गाड़ दूंगा लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही नए अंदाज में देखने को मिल रहा है अगर बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की जहाँ रेत माफिया बे होकर रेत का परिवहन दिन रात करने लगे हुए हैं वही आपको बता दें कि डबरा थाना क्षेत्र और पिछोर थाना गिजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबूपुर लिदोरा सिली सिलेटा दूसरी तरफ भीतरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत अजीतपुरा भेसनारी आदि घाटों से रेत का अवैध परिवहन जोर शोर से चल रहा है और यह रेत का अवैध कारोबार किसके कहे जाने पर चल रहा है सुबह से शाम ढलते ही बेखौफ रेत माफिया धड़ल्ले से अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने जाते हैं और पुलिस प्रशासन के ही कुछ पुलिसकर्मी देखते रहते हैं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के एंट्री आला अधिकारियों के पास समय पर नहीं पहुंची तो ट्रैक्टर ट्रॉली आपको तुरंत पकड़कर थाने में रखवा दिया जाता है आखिरकार कब तक ऐसे आला अधिकारी सरकार को बदनाम करते रहेंगे रेत माफिया बेवकूफ होकर रेत की ट्रॉलियों को पुलिस की नाक के नीचे से निकालने जाते हैं और उन पर कोई पुलिस कर्मचारी एक्शन क्यों नहीं लेता कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मिली भगत से यह रेत माफिया दिन रात फल फूल रहे हैं अब देखना यह है कि आला अधिकारियों एवं रेत माफियाओं पर सरकार क्या एक्शन लेती